राधे राधे श्याम यादे, मेरे दुश्मनों को धूल चटा दे राधे राधे। या ये बात बताएं आप हमें, जिसका नेता ऐसा हो, आंगा बांगा जैसा हो, पप्पू नाम रखा हो, जिसका सबने पप्पू बनाया हो, और फिर भी वो कहता हो हमसे बेटा कोई ना हो, हमसे सुंदर कोई ना हो, हमसे बुद्धिमान कोई ना हो, क्या कहें, मजबूरी है हमारी साहब, क्या कहें। कभी कभी कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस समय वही बात चल रही है। और ठीक है, हमारा बाप थोड़ा गोवा है, मतलब वाउल बाबा की बात कर रहे हैं। वो आदमी कैसा है, एक तारीख पे बोलता है कि हमारी 150 सीटें आई हैं, अगली तारीख पे बोलता है 200 आई हैं, उससे अगली तारीख पे 220 आई हैं, फिर बोलता है 230 आई। अबे यार तू क्या आदमी क्या है यार, तेरी कैलकुलेशन क्या है। मतलब ये वो आदमी है कि किसी लड़की से वादा करते मैं तुमसे शादी करूँगा, वो बोलेगा, पहले बोल देगा कि एक काम करते हैं, हम तुमसे शादी तो करेंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। चलो डेट भी बताए थे, मान लो 3 नवंबर, सन नहीं बताएंगे। चलो सन भी बता देते हैं, पर ये नहीं बताएंगे किसका सन। इस तरीके का आदमी ऐसा घुजड़ मुजड़ कर देता है चीजों को, आपका दिमाग भनवा, आपकी बुद्धि हर लेगा ये आदमी। सिर्फ 10 मिनट बात कर लो, आप इसे पूछो राहुल बाबा कैसे हो, ठीक हो, आप लोग ठीक है, और क्या चल रहा है, कुछ चल ही तो नहीं रहा। तो आप बोलोगे अभी तो बोल तूने, ठीक है तो बोलने को तो बोलूंगा ही। तो आप थोड़ी देर में ऐसा कहोगे कि कहीं से 2 बंदे आ जाएं प्लास लेकर के, 2 तरह से बालों को चूटे ही हों। क्या कहे आदमी, कैलकुलेशन में आ जाओ, इससे पूछो आप जैसे 2 + 2 = 4, 4 + 8 = 48। ऐसे ऐसे जवाब देता है कि मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ। 4 + 8 = 48 होता है, 84 होता है, हद है इस आदमी की, है 12 होता है। अच्छा, हमारे यूपी में तो हम इसी तरीके से बात करते हैं, 84 है गए। चलो जो भी है, हमें क्या करना है, हम तो अपने पढ़े लिखे होने का सबूत पहले दे दिए, हम तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। एनी बेस, पर आप देखो केजरीवाल जेल में, ममता दीदी वैसी डोल रही है यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। इसके ऊपर भी मैं बता दूँ, अगला नंबर जी का ही है, मोदी जी से जिनने बेकार का पंगा ले लिया। आप सीधे सीधे आओ ना, अगर आप सीधे सीधे आ सकते हो आओ, वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। लेकिन अगर आपने अपने आप को ज़्यादा समझदार का नहीं, समझदार का जो भी मतलब समझा, 13 के बाद जो आता है समझदार का, वो हो समझा अपने आप को, तो आपको ऐसी जगह ले जाएंगे कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप सही हो। ऐसी हरकत करनी क्यों है, राहुल को तो वो कुछ मानते ही नहीं है। जो आदमी पूरी संसद के अंदर उनको यूँ जब भी डालता है, कुछ करता है, मैं आपको, आपके मन में मेरे पति कुछ भी है, मैं, आप मुझे पप्पू समझते हैं लेकिन मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं समझता, क्या क्या बातें करता है ये आदमी। आपको लगता है कि ये एक स्टेट भी चलाने के लायक है, देश तो बहुत दूर की बात है। अब पहला चेहरा, फर्स्ट फेस उभर करके आ रहा है, अबे मैं तो फिर भी CM बना हुआ था, तुम तो कुछ भी ना है, कछु भी ना, तुम्हारी बात तो भैया, और तुम बोल लोगे हमारे को देश की बागडोर दे दो हमारे हाथ में। किसी ने तुम्हें लड़की ना दी, बहुमत ना दिया, तुम्हें देश की बागडोर दे दे हाथ में। या मैं अपने नौकर की बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर के नहीं बोलूंगा कि रोड क्रॉस करा देते, पता नहीं बीच में कहीं कहते देखिए भैया ऐसा मैं वापिस जा रहा हूँ, ट्रैफिक में से कोई गाड़ी आकर के धूम कर जाएगी। तो हमें ऐसे ऐसों का साथ देना पड़ रहा है और इनके साथ इंडी गठबंधन बनाना पड़ रहा है। अब आप बताओ, गधा मेहमान तो राहुल पहलवान ये है रहा है। चलो हमें क्या करना, हम तो यूपी पे फोकस कर रहे हैं, कुछ दिला दो सीटें वीटे भगवान, कुछ करा दो काम, बहुत है गया मैं राहुल की तरह ना, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, अनएम्प्लॉयड होते होते बहुत दिनों से फिर रहा हूँ। अब प्लीज प्लीज आई बेग योर पार्डन, प्लीज, मतलब मैं तुम्हारे पैरों में गिर रहा हूँ, इंग्लिश अगर आपको नहीं आ पाई किसी वजह से तो वो बोल रहा हूँ, प्लीज
एक बार बना दो मुझे पीएम, बस माने से पहले एक बार डिंपल के चेहरे पे डिंपल देखना चाहता हूँ, प्यार के, प्राउड के, उसके कि मेरा पति पीएम है। दुआ कहो। राधे राधे श्याम राधे। लगता तो मैं हूं ऐसे पीएम टाइप। Oh no!